नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी मन की बात करेंगे, देश को संबोधित करेंगे, उसमें आपको लेकर चलेंगे। और इस बार जो मन की बात होगा उसमें उम्मीद है कि पीएम मोदी इलेक्शन में वोट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप जाइए। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मन की बात। सर्दी का मौसम अब जाने को है, बसंत के मौसम ने हम सबके जीवन में दस्तक दे दी है। पतझड़ के बाद पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलते हैं, बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं, पक्षियों का कलरव मन को भाने लगता है। फूल ही नहीं, फल भी पेड़ की शाखाओं पर खिली धूप में चमकते नजर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के फल आम के मंजर बसंत में ही दिखने लग जाते हैं। वहीं खेतों में सरसों के पीले फूल किसानों को उम्मीदें बंधाते हैं। टेसू या पलाश के सुर्ख फूल होली के आने का संकेत करते हैं। अमीर खुसरो ने मौसम के इस बदलाव की पलों का बड़ा मजेदार वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने लिखा है, फूल रही सरसों सकल बन, अंबवा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार। जब प्रकृति खुशनामा होती है, मौसम सुहाना होता है, तो इंसान भी इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाता है। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली का त्यौहार इंसान के जीवन में खुशियों के रंग डालता है। प्रेम, भाईचारा, मानवता से ओत प्रोत वातावरण में हम आखिरी महीने फाल्गुन को विदा करने वाले हैं और नए मास चैत्र का स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। वसंत ऋतु इन्हीं दो महीनों का तो संयोग है। मैं सबसे पहले तो देश के लाखों नागरिकों का इस बात से आभार व्यक्त करता हूं कि मन की बात के पहले जब मैं सुझाव मांगता हूं, ढेर सारे सुझाव आते हैं नरेंद्र मोदी ऐप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, डाक से। मैं इसके लिए सबका आभारी हूं। मुझे शोभा जालान, उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि बहुत सारी पब्लिक इसरो की उपलब्धियों के बारे में अवेयर नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं 104 सैटेलाइट्स के लॉन्च और इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी दूं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये भारत के गर्व की मिसाल को आपने याद किया। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मंगल ग्रह पर मार्स मिशन मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए एक साथ विभिन्न देशों जिसमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई और भारत भी 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और ये भी खुशी की बात है कि यह लगातार 38वां पीएसएलवी का सफल लॉन्च है। यह न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसरो की यह कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम सारे दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया है, और विश्व ने खुले मन से भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को सराहा है। भाइयों बहनों, इन 104 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्टोसैट 2D। ये भारत का सैटेलाइट है।
और इसके माध्यम से खींची हुई तस्वीरों, संसाधनों की मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आकलन, अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग के लिए उसकी बहुत मदद मिलेगी। खास करके मेरे किसान भाई बहनों को, देश में जो सभी जल स्रोत है वो कितना है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विषयों पर यह हमारा नया सैटेलाइट कार्टोसैट 2D बहुत मदद करेगा। हमारे सैटेलाइट ने जाते ही कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये भी खुशी बात है कि इस सारे अभियान का नेतृत्व हमारे युवा वैज्ञानिक, हमारी महिला वैज्ञानिक, उन्होंने किया है। युवाओं और महिलाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी इसरो की सफलता में एक बड़ा गौरवपूर्ण पहलू है। मैं देशवासियों की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ऑब्जेक्टिव को वे सदाए बना रखा है और नीत नए नए कीर्तिमान भी वो रचते जा रहे हैं। हमारे इन वैज्ञानिकों को, उनकी पूरी टीम को हम जितनी बधाइयां दें उतनी कम है। शोभा जी ने एक और भी सवाल पूछा है और वो है भारत की सुरक्षा के संबंध में। भारत ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है उसके विषय में। इस बात की ज्यादा अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन शोभा जी का ध्यान गया इस महत्वपूर्ण बात पर। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी वाले इस मिसाइल ने अपने ट्रायल के दौरान जमीन से करीब करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर करके सफलता अंकित कर दी। सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है और आपको जानकर के खुशी होगी, दुनिया के मुश्किल से 4 या 5 ही देश हैं कि जिन्हें ये महारत हासिल है। भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया और इसकी ताकत ये है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी भारत पर आक्रमण के लिए कोई मिसाइल आती है तो ये मिसाइल अंतरिक्ष में ही उसको नष्ट कर देती है। जब नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, कोई नई वैज्ञानिक सिद्धि होती है तो हम लोगों को आनंद होता है। और मानव जीवन की विकास यात्रा में जिज्ञासा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और जो विशिष्ट बुद्धि प्रतिभा रखते हैं वो जिज्ञासा को जिज्ञासा के रूप में ही रहने नहीं देते हैं, वो उसके भीतर भी सवाल खड़े करते हैं, नई जिज्ञासाएं खोजते हैं, नई जिज्ञासाएं पैदा करते हैं और वही जिज्ञासा नई खोज का कारण बन जाता है। वे तब तक चैन से बैठते नहीं जब तक उसका उत्तर न मिले। और हजारों साल का मानव जीवन की विकास यात्रा का अगर हम अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की इस विकास यात्रा का कहीं पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम असंभव है। ब्रह्मांड को, सृष्टि के नियमों को, मानवी के मन को जानने के प्रयास निरंतर चलता रहता है। नया विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी उसी में से पैदा होती है और हर टेक्नोलॉजी, हर नया विज्ञान का रूप एक नए युग को जन्म देता है। मेरे प्यारे नौजवानों, जब हम विज्ञान और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम की बात करते हैं तो कई बार मैंने मन की बात में इस बात को कहा है कि हमारे युवा पीढ़ी का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। देश को बहुत सारे वैज्ञानिकों की जरूरत है। आज का वैज्ञानिक आने वाले युगों में, आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक स्थायी बदलाव का कारण बनता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, नो साइंस हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काइज इन ए परफेक्ट फॉर्म, ऑल साइंस इज डेवलप एंड आर बिल्ड अप थ्रू एक्सपीरियंस। पूज्य बापू ने यह भी कहा था, आई हैव नथिंग बट प्रेज फॉर द जील इंडस्ट्री एंड सेक्रीफाइस दैट हैव एनिमेटेड द मॉडर्न साइंटिस्ट इन द परस्यूट आफ्टर ट्रूथ। विज्ञान जब जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन सिद्धांतों का सहज उपयोग कैसे हो, उसके लिए माध्यम क्या हो, टेक्नोलॉजी कौन सी हो, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण
योगदान माना जाता है। पिछले दिनों नीति आयोग एवं भारत के विदेश मंत्रालय ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के समय एक बड़ी यूनिक प्रकार की कंपटीशन की योजना की थी। समाज उपयोगी इनोवेशन को इनवाइट किया गया, ऐसे इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करना, शोकेस करना, लोगों को जानकारी देना और ऐसे इनोवेशन जन सामान्य के लिए कैसे काम आए, मास प्रोडक्शन कैसे हो, उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन कैसे हो। और मैंने जब उसे देखा तो मैंने देखा कि कितने बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं। जब से एक इनोवेशन मैंने देखा जो हमारे गरीब मछुआरे भाइयों के लिए बनाया गया है, एक सामान्य मोबाइल ऐप बनाई है लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि मछुआरा फिशिंग के लिए जब जाता है तो कहाँ जाना, सबसे ज़्यादा फिश जोन अच्छा कहाँ पर है, हवा की दिशा क्या है, स्पीड क्या है, लहरों की ऊंचाई कितनी है, यानी एक मोबाइल ऐप पर सारी जानकारियां उपलब्ध। और इससे हमारे मछुआरे भाई बहुत ही कम समय में जहां अधिक मछलियां हैं वहां पहुंच करके अपना अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। कभी कभी समस्या भी समाधान के लिए विज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करता है। मुंबई के अंदर 2005 में बहुत बारिश हुई, फ्लड आया, समंदर में भी भर्ती आ गई और बहुत परेशानियां हुई। और जब कोई भी प्राकृतिक संकट आता है तो सबसे पहले संकट गरीब को आता है। दो लोगों ने बड़े मन से इसमें काम किया और उन्होंने एक ऐसे मकान की रचना को विकसित किया जो ऐसे संकट से घर को बचाता है, घर में रहने वालों को बचाता है, जल भराव से भी बचाता है, वाटर बॉर्न डिसीज से भी बचा सकता है। खैर, बहुत सारे इनोवेशंस थे। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में, देश में इस प्रकार की भूमिका के लोग बहुत होते हैं। और हमारा समाज भी तो टेक्नोलॉजी ड्रीवन होता जा रहा है, व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी ड्रीवन होती जा रही है। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन रहा है। पिछले दिनों डिजिधन पर बड़ा बल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग नगद से निकल करके डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खास करके युवा पीढ़ी अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल पेमेंट की आदि बनती जा रही है। ये शुभ संकेत मानता हूं मैं। हमारे देश में पिछले दिनों लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापारी योजना, उसको भारी समर्थन मिला है। करीब करीब 2 महीने हो गए हैं, प्रतिदिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपये का इनाम मिलता है। और इन दोनों स्कीमों के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बनाने की पहल, पूरे देश में उसका स्वागत हुआ है। और ये खुशी की बात है कि अब तक डिजिटल योजना के तहत 10 लाख लोगों को तो इनाम मिल चुका है, 50,000 से ज्यादा व्यापारियों को इनाम मिल चुका है और करीब करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा रकम इस इनाम में इस महान अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मिला है। इस योजना के तहत 100 से ज्यादा ग्राहक ये हैं जिनको 1-1 लाख रुपए का इनाम मिला है, 4,000 से ज्यादा व्यापारी वो हैं जिनको 50,000 रुपए के इनाम मिले हैं। किसान हो, व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, पेशेवर हो, घरेलू महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, उनको लाभ भी मिल रहा है। जब मैंने उसका एनालिसिस पूछा कि देखिए सिर्फ नौजवान ही आते हैं कि बड़ी आयु के लोग भी आते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि इनाम प्राप्त करने वालों में 15 साल के युवा भी हैं तो 65-70 साल के बुजुर्ग भी हैं। मैसूर से श्रीमान संतोष जी ने हर्ष जताते हुए नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि उन्हें लकी ग्राहक योजना के तहत 1,000 रुपये का रिवॉर्ड मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे 1,000 रुपये का ये रिवॉर्ड मिला और उसी समय मेरे ध्यान में आया कि एक गरीब वृद्ध महिला का घर में आग लग गई थी, सामान जल गया था, तो मुझे लगा कि ये जो मुझे इनाम मिला है शायद इसका हक इस गरीब वृद्ध माँ का है।
तो मैंने 1000 रुपया उसी को दे दिए। मुझे इतना संतोष मिला, संतोष जी आपका नाम और आपका काम हम सबको संतोष दे रहा है, आपने एक बहुत बड़ा प्रेरक काम किया। दिल्ली के 22 वर्षीय कार चालक भाई सबीर, अब वो अपने कामकाज में नोटबंदी के बाद डिजिटल कारोबार से जुड़ गए और सरकार की जो लकी ग्राहक योजना थी उनमें वो 1 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अब आज वो कार चलाते हैं लेकिन एक प्रकार से इस योजना के एम्बेसडर बन गए हैं। सभी पैसेंजरों को पूरा समय ये डिजिटल का ज्ञान देते रहते हैं, इतने उत्साह से बातों को बताते रहते हैं, औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। महाराष्ट्र से एक युवा साथी पूजा नेमाड़े जो पीजी की छात्रा है, उन्होंने भी रुपे कार्ड ई वॉलेट का उपयोग अपने परिवार में कैसे हो रहा है और इसको करने में कितना आनंद आ रहा है इसका अपना अनुभव अपने साथियों को शेयर करती रहती हैं, और 1 लाख रुपए का इनाम उसके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन उसने इसे एक अपने मिशन बोर्ड में ले लिया है और वो भी औरों को इस काम के लिए लगा रही हैं। मैं देशवासियों से, देश के युवकों से खास करके, और इस लकी ग्राहक योजना या तो डिजी धन व्यापार योजना, उन्हें जो इनाम मिला है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं इसके एम्बेसडर बनिए, इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए, आप इसको आगे बढ़ाइए। और ये काम एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका है इसकी। इस काम में जुड़े हुए हर कोई मेरी दृष्टि से देश में एक नई एंटी करप्शन कैडर है। एक प्रकार से आप शुचिता के सैनिक हैं। आप जानते हैं ये लकी ग्राहक योजना 100 दिन जब पूरे होंगे, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का पर्व है, यादगार दिवस है। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपयों के प्राइज का ड्रॉ होने वाला है। अभी करीब 40-45 दिन बचे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर को याद रखते हुए कि आप एक काम कर सकते हैं, अभी अभी बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती गई है, उनका स्मरण करते हुए आप भी कम से कम 125 लोगों को भीम ऐप डाउनलोड करने का सिखाएं, उससे लेन देन कैसे होती है वो सिखाएं, और खास करके अपने आसपास के छोटे छोटे व्यापारियों को सिखाएं। इस बार की बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती और भीम ऐप इसको विशेष महत्व दें, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहब ने रखी नींव को हमें मजबूत बनाना है, घर घर जाकर सबको जोड़कर 125 करोड़ हाथों तक भीम ऐप पहुंचाना है। पिछले 2-3 महीने से ये जो मूवमेंट चला है उसका असर यह है कि कई टाउनशिप, कई गांव, कई शहरों में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मूल में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। गांव की आर्थिक ताकत देश की आर्थिक गति को ताकत देती है। मैं आज एक बहुत खुशी की बात आपको कहना चाहता हूं। हमारे किसान भाइयों बहनों ने कड़ी मेहनत करके अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारे देश में किसानों के परिश्रम से इस वर्ष रिकॉर्ड अन्न उत्पादन हुआ है। सारे संकेत यही कह रहे हैं कि हमारे पुराने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेतों में इस बार फसल ऐसी लहराई है, हर रोज लगने लगा जैसे पोंगल और बैसाखी आज ही मनाई है। इस वर्ष देश में लगभग 2700 लाख टन से भी ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। हमारे किसानों के नाम जो आखिरी रिकॉर्ड अंकित हुआ था
उससे भी ये 8% ज्यादा है, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व सिद्धि है। मैं विशेष रूप से देश के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। किसानों का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि वे परंपरागत फसलों के साथ साथ देश के गरीब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दालों की भी खेती करें, क्योंकि दाल से ही सबसे ज्यादा प्रोटीन गरीब को प्राप्त होता है। मुझे खुशी है कि मेरे देश के किसानों ने गरीबों की आवाज सुनी और करीब करीब 290 लाख हेक्टेयर धरती पे भिन्न भिन्न दालों की खेती की। ये सिर्फ दाल का उत्पादन नहीं है, किसानों के द्वारा हुई मेरे देश के गरीबों की सबसे बड़ी सेवा है। मेरी एक प्रार्थना को, मेरी एक विनती को, मेरे देश के किसानों ने जिस प्रकार से सर आंखों पर बिठा करके मेहनत की और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन किया, इसके लिए मेरे किसान भाई बहन विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये हमारे देश में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा, हर किसी के द्वारा स्वच्छता के दिशा में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। एक प्रकार से हर कोई किसी न किसी रूप में स्वच्छता के संबंध में जागरूक व्यवहार करता नजर आ रहा है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों वाटर एंड सैनिटेशन का जो हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, हमारे सचिव के नेतृत्व में 23 राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यक्रम तेलंगाना में हुआ और तेलंगाना राज्य के वारंगल में सिर्फ बंद कमरे में सेमिनार नहीं, प्रत्यक्ष स्वच्छता के काम का महत्व क्या है उसको प्रयोग करके करना। 17-18 फरवरी को हैदराबाद में टॉयलेट पीट एम्प्टिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया, 6 घर के टॉयलेट पीट्स खाली करके उसकी सफाई की गई और अधिकारियों ने स्वयं ने दिखाया कि ट्विन पीट टॉयलेट के उपयोग हो चुके गड्ढों को उसे खाली कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि यह नई टेक्निक के शौचालय कितने सुविधाजनक हैं और इन्हें खाली करने में सफाई को लेकर के कोई असुविधा महसूस नहीं होती है, कोई संकोच नहीं होता है, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है वो भी आड़े नहीं आता है। और हम भी और सामान्य सफाई करते हैं वैसे ही एक टॉयलेट के गड्ढे साफ कर सकते हैं। और इस प्रयास का परिणाम हुआ, देश के मीडिया ने इसको बहुत प्रचारित भी किया, उसको महत्व भी दिया। और स्वाभाविक है, जब एक आईएएस अफसर खुद टॉयलेट के गड्ढे को सफाई करता हो तो देश का ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है। और ये जो टॉयलेट पीट की सफाई है और उसमें से जो जिसे आप हम कूड़ा कचरा मानते हैं, लेकिन खाद की दृष्टि से देखें तो एक प्रकार से यह काला सोना होता है। वेस्ट से वेल्थ क्या होती है ये हम देख सकते हैं और ये सिद्ध हो चुका है। 6 सदस्यीय परिवार के लिए एक स्टैंडर्ड ट्विन पीट टॉयलेट ये मॉडल लगभग 5 वर्ष में भर जाता है। इसके बाद कचरे को आसानी से दूर कर दूसरे पीट में रीडायरेक्ट किया जा सकता है। 6-12 महीनों में पीट में जमा कचरा पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाता है। यह डीकम्पोज कचरा हैंडल करने में बहुत ही सुरक्षित होता है और खाद्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य एनपीके, किसान भली भांति एनपीके से परिचित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये पोषक तत्वों से पूर्ण होता है और यह कृषि क्षेत्र में बहुत ही उत्तम खाद्य माना जाता है। जिस प्रकार से सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है और हमें भी बहुत इनिशिएटिव ऐसे प्रयोग किए होंगे, और अब तो दूरदर्शन में स्वच्छता समाचार का एक विशेष कार्यक्रम आता है, उसमें ऐसी बातें जितनी उजागर होगी उतना लाभ होगा। सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट स्वच्छता पखवाड़ा रेगुलर मनाते हैं। मार्च महीने के प्रथम पखवाड़े में महिला और बाल विकास मंत्रालय, उनके साथ जनजाति विकास मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये स्वच्छता अभियान को बल देने वाले हैं। और मार्च के दूसरे पखवाड़े में और 2 मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोत परिवहन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स,
रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये मंत्रालय भी मार्च के आखिरी दो सप्ताह स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाला है। हम जानते हैं कि हमारा देश का कोई भी नागरिक जब भी कुछ अच्छा करता है तो पूरा देश एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रियो पैरालंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया, हम सब ने उसका स्वागत किया था। इसी महीने आयोजित ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर के देश का गौरव बढ़ाया। मैं एक बार फिर से टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। देश को हमारे इन दिव्यांग साथियों की उपलब्धि पर गर्व है। मैं हमेशा मानता हूं कि दिव्यांग भाई बहन सामर्थ्यवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, साहसिक होते हैं, संकल्पवान होते हैं। हर पल हमें उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बात चाहे खेल की हो या अंतरिक्ष विज्ञान की, हमारे देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी हमारी महिला खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। उन सभी खिलाड़ियों को मेरी ढेर सारी बधाइयां। 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। जब ये समाचार मिलते हैं कि बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया गया, इतना आनंद आता है। एक प्रकार से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच सामाजिक स्वीकृति का कारण बन रही है। मैंने सुना है कि तमिलनाडु राज्य के कुड़लोर जिले ने एक विशेष अभियान के तहत बाल विवाह पर रोक लगाई। अब तक करीब 175 से ज्यादा बाल विवाह रोके जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत करीब करीब 55-60 हजार से ज्यादा बेटियों के बैंक अकाउंट खोले हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कन्वर्जेंस मॉडल के तहत समस्त विभागों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जोड़ा है और ग्राम सभाओं के आयोजन के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा अनाथ बच्चियों को गोद लेना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, इसके भरपूर प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर घर दस्तक के कार्यक्रम अंतर्गत गांव गांव घर घर बेटियों की शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान ने अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान चला करके जिन बालिकाओं का ड्रॉप आउट हुआ था उनको पुनः स्कूल में भर्ती कराना, फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस आंदोलन ने भी अनेक रूप धारण किए हैं। पूरा आंदोलन जन आंदोलन बना है, नई नई कल्पनाएं उसके साथ जुड़ी हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसको मोड़ा गया है। मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूं। जब हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाने वाले हैं तब हमारा एक ही भाव है, महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मन की बात में समय समय पर कुछ न कुछ संवाद करने का अवसर मिलता है। आप भी सक्रियता के साथ जुड़ते रहते हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। धरती पर क्या चल रहा है, गांव गरीब के मन में क्या चल रहा है, वो मुझ तक पहुंचता है। आपके योगदान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये आप देख रहे थे पीएम मोदी मन की बात में देश को संबोधित कर रहे थे। 29वीं बार पीएम मोदी ने मन की बात आज की है और टेक्नोलॉजी पर खासकर पीएम का ध्यान रहा। यहाँ पर 104 सैटेलाइट के लॉन्च पर इसरो को उन्होंने बधाई दी और बताया कि कितना महत्वपूर्ण है ये देश के लिए और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और उन वैज्ञानिकों के लिए भी जिन्होंने इसको लॉन्च किया। 38 PSLV का सफल लॉन्च इसरो कर चुका है और 15 फरवरी को जो 104 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए वो एक बहुत अहम योगदान रहा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का और इसरो की तरफ से, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बधाई दी। और साथ ही बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में भी उन्होंने बात की। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पीएम का जोर रहा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोगों से कहा भी कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़िए, उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि डिजिधन योजना और लकी ग्राहक योजना को लॉन्च किया गया था, उसका भारी समर्थन लोगों का इन दो योजनाओं को मिला है।